हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त सपन और आप दो सबका स्वागत है भैया बकचोदी में। तो आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसी के नाते आज मैं एक दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक मेरे ऊपर रिलेटिव वीडियो है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे कांड हो गए मेरे साथ या कुछ ऐसी घटनाएँ घट गई मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बात उन दिनों की है कि कुछ समय पहले मेरे एक लड़के से मुलाकात हुई थी। तो उसने बोला सपन कुछ फ़ोटोज़ आपके लगेंगे और उस फोटोज़ के बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो मैंने यार फोटो वीडियो मांग रहा है, चलो दे देते, 1-1.5 लाख तक मिल जाएगा। पैसे के लालच में सभी कोई भाग जाता, तो मैं भी वही कर दिया। अब उस कुछ फोटोज़ कुछ वीडियो को मैंने 3-4 टाइम शूट किया। उसने बोला कि बस 3-4 टाइम आपको वीडियो देने देंगे अलग अलग कपड़े में अलग अलग चीज़ों में, उसके बाद से आपको 1 साल तक कोई वीडियो फोटो नहीं देगा, हम आपके इसके बदले में 1.5 लाख रुपये देंगे। डन, एग्री। बट कुछ दिनों बाद मेरे घर से मुझे कॉल आता है, मेरा घर से झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद वो वीडियो ऐसी कंडीशन पे थी जो किसी को ना बता सकते ना दिखा सकते हैं, एक्लेक्टिक पॉर्न। चलो घर वाले मान गए, मगर जिसने वीडियो बनाया वो साला मिल नहीं रहा है। जो उसने मिलवाया था बोलता पैसा मिल जाएगा, ऐसा है वैसा है, उसको मैंने पीट पाट दिया। मेरा दोस्त था, उसने मेरी मदद की, 3-4 दिन मेरे साथ जब बोला जहाँ बोला दौड़ा। तो फिर कैसा हुआ ना कि फिर हम लोग फिर मुलाकात करने की कोशिश करने लगे, चलो बंदा मिलना चाहिए, तो मिल नहीं रहा बंदा। अभी मैं ना घर पे कुछ बोल सकता हूँ, ना इधर उधर कुछ बोल सकता हूँ, ना किसी को कुछ बोल सकता हूँ। बस मेरा फ्रेंड बोलता चल जो हो गया सो हो गया, तो वो है नहीं, बात खत्म, दुनियादारी छोड़, अपने काम पे प्रति फोकस कर, ऐसा है वैसा है। हाँ यार बेटर, बट पैसे 1.5 लाख बोलता, पैसे आपके साथ मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो छोड़ दे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे से कुछ नहीं बताया। अब मुझे डाउट क्या है, पैसे चलो मिले ना मिले वो अलग की बात है, और जो बनता वो तो मिलना चाहिए, क्या भरोसा किधर किधर क्या कर रहा है मेरे वीडियो मेरे फोटोज के साथ। और उस फोटो वीडियो की वजह से मेरे घर में झगड़े चल रहे। तो बस यही सब लेके डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा था, और इसके लिए कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एनीवे, वो मेरा पर्सनल इशू था। आज मेरा जो टॉपिक है, एक दोस्त है इंदौर से बिलोंग करता है, सरने गुप्ता है नाम उसका, तो नहीं बता सकता। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपके उसको आपके बारे में बताया था, लड़का है करण गुप्ता। तो वो फ्रेंड इतना अच्छा है कि मेरे साथ अपना उसका खुद का रूम घर है मलाड में, बहुत पहले से रहते हैं लोग। उसको मैंने जब फर्स्ट टाइम उससे मेरी मुलाकात हुई, फ्रेंडशिप हुई किसी लड़के के थ्रू हुई थी, और लड़का रहता था करता मुझे लगता है उमरगांव वापी जाए। जब मेरी उससे पहली मुलाकात होती है, कॉलिंग पे बात होती है कि आप कैन यू स्पीक टू द मिस्टर करण, तो बोलता है यस। उसने मेरे को ट्रम्प कॉल में करण से बात करवाता है। मेरी करण से इतनी बात होती है, करण उस वक्त बांद्रा में अवेलेबल थी, मैं अपने घर पर अवेलेबल था, दोनों की बातचीत होती है। फिर वो लड़का क्या बोलता, सर आप ना मेरे से मिलो, करण से मत मिलो। ओके डन। किसी कारणवश करण भी मेरे से मिलने के लिए उसके साथ चला आता है। बड़ी जहद जुद्धों के बाद करण आता है, मिलता है। फिर करण को साथ मेरी बातें अच्छी थोड़ी लगती है, बैठते हैं, उसको चाय वो पीता। पीने के बाद करण को क्या लगता है, सर का नंबर लेना चाहिए, दोस्त का नंबर लेना चाहिए इस लड़के का। तो उसने क्या कहा, जाते वक्त चोरी से मेरा नंबर लेके जाता, मेरा मेरे दोस्त का नंबर लेके चला जाता है। 2 दिन का करण मुझे हाई करता है, मैं भी करण को हाई करता हूँ, अपनी स्टोरी हम बताते हैं, करण अपनी स्टोरी बताता है। फिर करण बोलता ठीक है सर, आई एम डन, मैं आई एम कम्फर्टेबल, बट मैं आपसे मिलूँगा। कुछ दिन करण आके वापस हमसे मिलता है, हम दोनों की अच्छी दोस्ती होती है। फिर उसने अपने जो भी काम के रिलेटिव होते हैं कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करता है मेरे को, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। फिर हम दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। बट मुझे नहीं पता था करण इतना कमीना लड़का निकलेगा, मुझे ये नहीं पता था कि करण इतना कमीना लड़का निकलेगा। वो हर बात पे झूठ बोलना, फालतू आदतें उसके जैसे रग रग में बसी हुई थी। जब भी देखो फालतू काम, फालतू एक भी ढंग का काम ऐसा नहीं उसने किया आज तक कि किसी को ये बोल सके कि हाँ, सीना उठा के गर्व से बोल सके नहीं ये मेरा काम है। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना और फालतूगिरी करना। फर्स्ट टाइम जब उसको कुछ प्रॉब्लम आई तो बोलता कि मैंने बोला सफन भाई मुझे गाँव जाना है, तो ओके ओके गांव जाओ, गांव चला जाता है। गांव से आने के बाद मैं जब गांव से बोला सपन भाई मैं मुंबई आ रहा हूँ तो कभी मिल सकते हैं क्या, तो उसको बोला देख भाई मुंबई अगर तुझे आना है ना
तो पहले तो अपनी आदतें सुधार, अगर अपनी आदतें तो तू सुधार सकता है तो ही मुंबई आना वरना मत आना। बट उस कमीने को अभी तक इस समझ में नहीं आया, उसने 5 महीने 6 महीने से मुंबई की सफर कर रहा है, बंगलोर देखा है, एक जगह जगह फंस भी गया, उसे कुछ पैसे भी डूबे हुए हैं, कई जगह से वो ठोकरे खा चुकी है। उसके बाद इतना उसको समझ में आया कि जिस दोस्त ने मुझे इतनी अच्छी राय दी उस दोस्त की मेरी बात होनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। चलो कि मैंने उसकी बात उसके हिसाब से मैं जी के देखती हूँ। आई थिंक नहीं, उसको बस अपने ही करनी है जो उसके मन में आएगा। फालतू की रिक्लास को कुछ आता नहीं है, उसको ए बताओ बी करता है, बी बताओ तो सी करता है, मतलब जो उसके घर में चूल्हा वही करेगा। फाइनली कुछ आज ऐसी मैंने उसके इसी दोस्त ने उसके बारे में मुझे शिकायत कर दी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सीधा उसको कॉल किया, कॉल करने में बोला देख अगर तेरे को अच्छे से रहना है तो रह, वरना न दो मेरे से दोस्ती तोड़ दे। ऐसे दोस्त हमें ज़रूरत नहीं जो आगे नहीं बढ़ा सकते। चलो अच्छी बात है, वो ना जब गाँव से आता है ना तो फ़ोन करता है कि हम आ रहे हैं। हमने बोला यार लड़का अच्छा है, बात मिलना चाहिए एक बार, तो हम लोग उससे मिलते भी हैं। नेक्स्ट डे उससे मिलते हैं, लड़का रात को 12 बजे दिन में मिलता है लोगों से, अच्छे से हम लोग गार्डन में बैठते हैं, बातें वातें करते हैं, खाते पीते हैं, वो अपने घर में मेरे घर। मगर उसको थोड़ा भी शर्म नाम की इस चीज़ नहीं है कि इस 8 दिन हो गए उसको गाँव से आके, 8 दिन में उसने अपने मर्जी से कुछ काम किया हो या हमें बोला हो कि मुझे ये काम चाहिए, तुम करके दे सकते हो या नहीं। जब जिस आदमी को आगे बढ़ना होता है ना, अभी हमारे भैया में सब कहा हुआ था, मैं तो यूपी का, आपको तो पता ही है, एक यूपी से आजमगढ़ जिले छोटे शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ गाँव में थोड़ा अजीब भाषाएं बोली जाती है। जैसे गाँव के लोग होते हैं ना ओल्ड फैशन, समझ सकते हो आप लोग, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि जिसको हगने को होता है उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिसको टॉयलेट आती है ना, एग्जाम्पल जिसको टॉयलेट आती है ना उसको उठाने की जरूरत, बराबर टाइम से उठता अपना जाकर टॉयलेट करता है और वापस आके सो जाता है कि ये पूरे गाँव को उठाता है वो, भाई चलो मुझे टॉयलेट आइए, नहीं ना। तो जिसको अपना काम के प्रति ईमानदार होता है ना, दिल बोलता मुझे करना है, उस लड़की लड़के बच्चे बीवी औरत इसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बराबर अपने टाइम से उठती है, अपना काम करके अपना साइलेंट हो जाती है। अगर आपको मैंने कोई काम दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड मैंने आपको काम दिया, अगर आप वो काम कर लोगे तो कोई आपको डांटेगा, कोई आपको बोलेगा नहीं ना। पर जब तक उसको 4 बार डांटे ना सुनाओ, रात को इतनी बड़ी बड़ी फेंकेगी कि मतलब भीष्म पितामह उसके बॉडी में आ गए हो। सुबह में 4 बजे उठ जाएगा, दिख रहा सपन भाई 4 बजे उठ जाएगा, मैं ये कर देगा वो कर देगा वो कर देगा वो कर देगा, और गाँड़ पा के सोएगा 9 बजे तक सुबह। गाँड़ पे लात मार के उसको उठाना पड़ता है, उठते ही गाँड़ जगह ये गनेरा काम, बहुत गंदगी काम है, बॉडी बॉडी से उसकी गंदी भाष आती है। पहला, दूसरा उठते आदमी क्या करता है, टॉयलेट जाता है, हाथ मुंह धोता है, थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर बोल के बाल वाल साफ करता है, उसको बिस्तर उठाता है, फिर झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगाने के बाद बैठा रहता है, फिर देखिए मोबाइल पर लेकर मम्मी को पापा को जीजा को जिसको फ़ोन लगाना, भाई बाप जे माँ बाप पति पति लवर जिसको लगाना लगाता है। यह गांव से उठते बासी मुंह, हमारे भैया भाषण का बासी मुंह, मतलब सो के उठाने पहले फ़ोन लेके चैटिंग करती है, फिर SMS देखती है और मम्मी का फ़ोन लगाती है, मम्मी हम उठ गए हगने जाओ कि नहीं जाओ। तो इनकी मम्मी इनको बताती है बेटा हगने मत जाया करो, मतलब करण की मम्मी करण को बताती है बेटा हगने मत जाया करो। और देखो इससे सबसे बड़ी गंदी बात पता है क्या आपको, रात को 12:30 बजे कौन मम्मी फ़ोन करता है बे, जब तक हम मम्मी को दिल की बात खुल के नहीं बताएंगे, मम्मी मैं कमाने आता हूँ ना तो रात भर जगूंगा तो फिर काम कैसे सुबह करूँगा, तो प्लीज़ मम्मी 8 बजे के 8 बजे से फ़ोन किया करो, 12 बजे 11-10 बजे के फ़ोन कर लो, रात को क्या कल 10 से 12 बजे तक बात करने का है, बोल सकता है ना। सारा चूतिया का पूरा 2 घंटे तक ऑनलाइन रहता है, उसके दोस्त उसको कुछ भी बोलते हैं, इतने गंदी गंदी भाषाएं बोलते हैं ना हम लोगों के सामने। मैं देखा उसको कि अगर मैं उसकी जगह पे होता ना तो नया सिम कार्ड लेता, मम्मी को सारी बातें बताता, नंबर चालू रखता, क्यों अगर कुछ दिन मैं नंबर बंद रखूँगा ना तो सबको क्या लगेगा कि मेरा नंबर बंद हो गया, 1-2 महीने बाद मैं नंबर अपना वापस वही नंबर चालू कर लूँगा। तो उससे क्या होता है कि प्यार भी बना रहता है, इज्जत भी होती है। हर आदमी को अगर बार बार डांटते रहोगे ना तो आदमी गलत समझता ही समझता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे 2 कुत्ते घर में रखो, एक कुत्ते को चिकन मटन खिलाओ, एक कुत्ते को खाली नमक रोटी खिलाओ, और जिसको नमक रोटी खिला रहे हो उसको बड़े प्यार से देखो, और जिसको आप चिकन मटन खिला रहे हो ना सुबह शाम उठते सोते बैठते उसको तोड़ो डंडा से लात से जूते से झाड़ू से। तो जैसे वो कुत्ता आपको देखेगा ना कि तुम आ रहे हो वो पहले भाग जाएगा, उसको पता भिंचो मारेगा मारेगा, भले तो उसको बिरयानी खिला रहे हो वो मन में सोचेगा सोचेगा। पर देखो जैसे हम बात करते ना इंसान, जानवर भी बात करते हैं, सभी जानवर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, सही बात है। अब
होगी बातें। अब जिसको आप नमक रोटी खिला रहे हो उसको बड़े प्यार वो देखते ना पूछ लेते ना तो पूछ 800 रुपये देगा, अरे सेट आ गया रोटी मिलेगी, वो रोटी में खुश है क्योंकि रोटी खुशी देते ना ही उसको प्यार मिलता है, उसको आप सेट उसको प्यार करता है। तो उस लड़के को मैंने समझाया अपनी औकात में आ और अपनी चीज़ें अपने तक रखा कर, चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, क्योंकि मैंने एक बार ज़िंदगी में धोखा खा चुका है, तू मत खा, तू मुझे भी मत बता। उस लड़के को मैं समझा तो मुझे भी अपने लाइफ के बारे में कुछ पर्सन नहीं बताना, तो हगने कब गया, मूतने कब गया, थोकने कब गया, क्या ठुकने कब गया, ठुकाने कब गया, हमें क्या जानना जरूरी है फिर? तेरा मन था ठुकी ठुकाई ठुकाए बात खत्म। ठुकने मतलब ये नहीं कुछ मतलब कि मारा पीटी, आई नो आप कुछ गलत मतलब ना समझो। तो उस लड़के को मैंने ये समझाया था, मैं लड़का भी साला हरामखोर इतना ना कि कुत्ते की दुम जैसे ना तेरा नलिम डाल के भी निकालो ना तो 6 महीने बाद उसी औकात पे आ जाते। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कुछ कमीनों के बाद समझ में आए कि जो ये वीडियो मेरे लिए बनी है ना मुझे ये काम कर। और हाँ वो एक लड़की से इतना प्यार करता है ना कि हगते मुते खाते पीते सोते उसी का रट्टा मारता है, आप समझ सकते हो। तो वो लड़के जो उस वो लड़की है ना, लड़की ने क्या बोला उस लड़के को पता है? लड़की ने मुझे बताया मतलब मेरे दोस्त को बताया कि मैं प्यार करता था भाई, मगर उसका जो स्वभाव उसका नेचर देख के मुझे घिन आने लगी, लड़का नहाता नहीं है, इतना घनेरा साला तो तभी नहाता नहीं, पूरी बॉडी से बास आती है जहां देखे गांड में हाथ डाल के खजली चलता है, तो क्या है सब? तो कौन ये सब करता फालतू गिरी यार, कहीं भी हाथ डाल के खजवाना, साफ नहीं सकना, हाथ नहीं धोना, पिछवाड़ा नहीं धोना, तो फालतू गिरी ने तो क्या है। जो कुछ बातें ऐसी होती है ना जिसको लोग पसंद करते, कुछ जरूरी नहीं होता कि आप चिकनी हो तो पसंद करते हैं, कोई कोई गरीब होता है ना और उसका हुनर देखकर दुनिया उसकी कदर करती है। मैं उस लड़के को बोलता देख फालतू की वीडियो मत देखा कर, आई लाइक नॉट इज पॉन ओके, जैसे किसी का रील, किसी के फेसबुक, कुछ तू मेहनत कर अपने दम पे तो दुनिया तुझे देखे, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर, वीडियो बना उस वीडियो को अपने जगह पे, जैसा अभी मैं BTS बनाता हूँ उसको मैंने समझा BTS बनाया कर, उससे तेरा कैसा था कैमरे का फेस सही होता है, बात करने का तरीका सही होता है, मैं कितना स्पीड बोल रहा हूँ कितना स्लो बोल रहा हूँ ये सही होता है। मुझे हीरो एक्टर नहीं बनना, वरना मैं डेली प्रैक्टिस करता ओके, मुझे मेरे एलिका के गैस में ही काम करना है, मैं वही करना चाहता हूँ। मुझे आई लाइक ये हीरो हीरोइन एक दिन काम मिला 10 दिन का, मुझे वो नहीं पसंद है, मैं चाहता हूँ 10 लोगों को मैं काम दूँ, ये मेरी सोच है मेरी थिंकिंग है। बट थोड़ा आप ऊपर वाले दुआ लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो उस लड़के को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको कैसा पता ना कि वो लड़के को कि कुत्ता भोंकरा भोंकने तो क्या, मैं तो वही करूँगा जो मुझे वही गाना मारा नहीं जो मुझे चाहिए। उस लड़के की सोच क्या है कि कुत्ता भोंकरा भोंकने तो हम तो गाना अपने मन से मराएंगे जहाँ मन में आएगा, अपने मन से कभी सुबह नहीं उठने का। अभी आपको हगने का होगा तो मैं उठाऊंगा कि बेटा जा हग क्या कि मेरे से मौत क्या। उस लड़के को भी तो समझ में आना चाहिए ना भाई कि मुझे हगने जाना है मुझे मूतने जाना है, हमें बोलना पड़ता मूत के पानी डाल के वॉशरूम में, क्या यार। कोई भी काम ऐसे नहीं करते जिससे जो लड़की का फील होता, लड़का एक लड़का कोई बोल सकता कि मतलब कि हाँ गुड बॉय, नहीं सब बेड मैनेज उसके अंदर भरे हैं। 15 दिन पहले जब उसको देखा था तो इतना काला करोटा चुपटा दिख रहा था ना मन, तो मतलब एक फील होती थी बॉडी से बास आती थी कि करीब ही नहीं जाए। मैं अब 15 दिन से जब उसका थोबड़ा ने उसकी उसका एक दोस्त देखा बोलता रही वाह सपन भाई लड़का बहुत मस्त दिख रहा है, मतलब शादी कर ले, बोलता नहीं शादी कैसे करेगा भाई, मैं लड़का लड़के से कैसे शादी कर सकता हूँ, तो बोला भाई कर सकता कोई भरोसा नहीं है। तो चलो इसी के साथ मैं ज़्यादा उसकी बेइज्जती नहीं करता, हाँ मतलब वो जैसा भी हो लड़का अच्छा है, अगर मैं उसको डांट भी देता हूँ जैसे कभी फ़ोन पे गाली दे दिया ना तो बुरा नहीं मानता, मेरी बात की इज्जत करता है, दोस्त अच्छा है, थोड़ा ठरकी साला हरामखोर है, थोड़ा का पूरा ही हरामखोर साला। और उसका बोलता ना उसका पप्पा, अब उसके पप्पा कहाँ कहाँ मुँह मारते पता ही नहीं, अब बोलता मेरे पप्पा इंदौर छोड़ के बाहर नहीं गए, साले दीवा में भी तीन चार घूम रही है उसके, उस सेम कार्बन कॉपी। मैंने मेरे दोस्त मेरा निखिल जो दोस्त था ना उसको मैंने दिखाया था तो बोलते साथ उसके पप्पा आया होगा, अब समझ सकते उसका पप्पा कहाँ आया होगा, दीवा उसका पप्पा घूम रहा है, मंगल उसका पप्पा घूम रहा है, तो बोलता नहीं पप्पा नहीं घूमते हमारी मम्मी घूमती है। अरे हंसो मैम सीरियसली, लड़के ने मुझे यही बोला मेरे दोस्त के सामने बात बोला, नहीं नहीं हमारे पप्पा बहुत सीधे साधे इंदौर छोड़ के बाहर नहीं जाते, तो फिर तू कहाँ से पैदा हो गई
अगर तू नहीं जाते तो ये कहाँ से सब पैदा हुए हमारे इधर के। तो हंसने लगा, कुछ बोला ही नहीं। तो इतनी कमीनी वो लड़का है ना, इतना कमीना लड़का है। अब जब उसको मिला हमें, अब थोड़ा थोड़ा उसके बॉडी से खुशबू आती है, और घनेडी अभी वही सही है। कहीं भी देखे रखा जाना, पब्लिक प्लेस भी हो जा रहा। फर्स्ट टाइम मेरा दोस्त से मलाड स्टेशन पर मिला, और मिलने में मलाड क्या बोलता पता बताता रियलिटी बताता हूँ। रियल में मेरा दोस्त बोलता, देख सपन इसका सके पानी भी नहीं पीऊंगा, तू ही जो जो खरीदना अपने हाथ से लाना मुझे देना। क्या बात कर रहा है ऐसा। तो हाँ, फिर एक दिन हो ना, मैं एक बार जा रहा था, गए चिली सब्जी के लिए, उसको बुलाया था। तो मेरा दोस्त निखिल भी आया था, तो वो बोलता सपन भाई मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो निखिल जो मेरा दोस्त था ना, कहता भाई है, तो मेरे कान में क्या बोलता है, अरे हराम को नहाता नहीं इसको मत दे, तो एक उसका खाना नहीं खाऊंगा, तू बना के दे मेरे को। ये मेरे कान में बोला, मैंने नहीं नहीं नहाती है, नहाता है अच्छा लड़का, बना के देने में खाना बहुत प्यार से बना, इतना खाना अच्छा बना, इतना अच्छा बना ना कि अगर नीचे वाले दो तीन लोग बैठते हैं, अगर उनको दे दूँ ना तो भी घर छोड़ के भाग जाते हैं। और हम लोग भी खाने में नाम नहीं लिखते, भले बाद में पीछे से उसकी गाड़ मार ले चलता है, पर खाने में हम लोग चुपचाप खा के उठ जाते हैं। निकल कभी सेम सिचुएशन थे, खाने में कितना भी नमक डाल दो मिर्चा डाल दो तो खा के उठ जाता, कभी नाम नहीं रखता। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि उसको समझाए कैसे, गाँव पलात मार के भगा दे उस लड़के को साले मुंबई से, कि एक लाख चांस उसको दिया जाए। कमेंट में जरूर बोल रहा, ऐसे चूती लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अगर आप होते एक तरह से वो दोस्त बेस्ट फ्रेंड समझ लो, तो आपको क्या करना चाहिए उस लड़के के साथ, साले को मार के भगाना चाहिए, कुछ से बातचीत बंद कर देना चाहिए, कि उसको बोलते चाहिए अपनी गाँव मारा जाके जहाँ साले मरना है माचुदा अपनी, ये बोलना चाहिए। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, कमेंट बॉक्स में ये बातें मुझे जरूर प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।